कार मित्रों, अनुरुति ज्योतिष केंद्र कुंडली पार्ट 4 to 6 में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं चंद्रमा मीन लग्न में कैसा फल देते हैं। मीन लग्न में चंद्रमा प्रबल कारक है क्योंकि वो यहाँ पर त्रिकोण में बैठे हैं। चंद्रमा की बात करूँ तो चंद्रमा मन के कारक, चंचलता के कारक, मन नियंत्रण में नहीं रहेगा तो बहुत दिक्कत होगी। इसके अलावा माता व जल के कारक भी माने जाते हैं। चंद्रमा मन है, हमारी बॉडी में 75-70% जल होता है, तो इसी तरह से चंद्रमा का नियंत्रण होना बहुत ज़रूरी। चंद्रमा बहुत जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, तो इस कारण भी क्या होता है हमें इनको समझना पड़ेगा। चंद्रमा यदि लग्न में आए बहुत सुंदर बनाएंगे जीवन साथी, सुंदर आदमी बहुत आकर्षक होगा, सुंदर होगा, बहुत बढ़िया यहाँ से फल देंगे क्योंकि त्रिकोण का स्वामी लग्न में आने में बहुत बढ़िया फल देता है। यहाँ से पत्नी सुंदर, बिजनेस सुंदर, लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, छोटी मोटी रोजमर्रा की आय, रोज़ बहुत बढ़िया अच्छी स्थिति यहाँ पर ये लाके देंगे। लेकिन इनका बल ज़रूर देखें, बलाबल कितना है, षडबल कितना है, वो चीज़ देखना पड़ेगा। इनकी दृष्टि सिर्फ एक होती है। इसके अलावा ये मैं हम बता चुका हूँ, दूसरे घर में अगर जाएंगे तो यहाँ से बहुत बढ़िया फल देंगे, धन आता रहेगा, परिवार कुटुंब बढ़िया, अपनी दम पर सारी रुकावटों को इस घर से रिलेटेड सबको खत्म करेंगे। अगर यहाँ आते हैं उच्च के हो जाते हैं, बहुत बढ़िया संघर्षों का नतीजा मिलता है। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से पटती है, यहाँ पर छोटी बहन का योग बनाते हैं, यहाँ से धर्म को मानते हैं, पिता को मानते हैं, बहुत बढ़िया विदेश यात्रा करेंगे तो बहुत बढ़िया उच्च कोटि की विदेश यात्रा होती है। लेकिन इस घर में वो थोड़ा सा नीच की दृष्टि होती है तो थोड़ा सा इस घर को अनबैलेंस जरूर करते हैं। उच्च का ग्रह नीच में और नीच का ग्रह उच्च में, जब तक नीच भंग ना हो तब तक वो उच्चता का फल नहीं, और यहाँ से थोड़ा सा अनबैलेंस करने का काम जरूर करते हैं। चौथे घर में आते हैं तो यहाँ पर चंद्रमा भूमि मकान महान सुख, यहाँ से सातवीं दृष्टि, बिजनेस प्रोफेशन अच्छा करेंगे। अगर पंचम में आते हैं लव मैरिज का योग बनाएंगे, संतान पुत्री होगी, बहुत सुंदर संतान होगी, यहाँ से जो आय होगा बड़े भाई बहनों से बहुत अच्छा होगा, आय भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और ये गारंटी है कि इस घर में अगर चंद्रमा इस लग्न में बैठे हैं, वाला वाला स्ट्रांग है, तो लव मैरिज करें कोई परेशानी नहीं होगी। अगर आते हैं छठे घर में हमेशा दिक्कत करेंगे, यहाँ से बहुत बड़ी पेट की समस्या, बीमारियाँ, रोग, ऋण, इस तरह की चीज़ें बढ़ा देंगे, यहाँ से बड़े बड़े खर्चे बढ़ा देंगे, यहाँ पर बहुत बढ़िया नहीं होते, दुर्घटना का भय, मृत्यु भय भी दुर्घटना का भय बना देते हैं, यहाँ से जो हाउस ऑफ कॉम्पिटिशन है उसमें सफलता नहीं देते। इसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा फॉरन सेटलमेंट के योग ज़रूर देते हैं। यहाँ पर अगर कोई कर्जे वर्जे लिए तो उससे बहुत दिक्कत आती है, उन्हें वापस करना बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। अगर सातवें घर में आते हैं बहुत बढ़िया आकर्षक सुंदर बनाते हैं, जीवन साथी सुंदर, पति पत्नी सुंदर, लग्न बढ़िया, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, छोटी मोटी आय बहुत बढ़िया हो जाती है। आठवें घर में कभी अच्छा फल नहीं देंगे, यहाँ पर बहुत बुरा फल देंगे, बड़े बड़े कष्ट बढ़ाएंगे, यहाँ से कुटुंब वाणी को खराब करेंगे, हर काम को रुकावट मिलेगी, यहाँ से बहुत जैसे काम स्टार्ट करने जाएंगे, नया काम पुराना काम सब में दिक्कतें आना यहाँ से तय मानी जाती है। अगर आते हैं वो नवे घर में नीच के हो जाते हैं, पिता से नहीं पटेगी, धर्म को नहीं मानेंगे, यहाँ से जो दृष्टि जाएगी यहाँ पर उसको खराब करेंगे, संतान को खराब करेंगे, यहाँ से हर चीज़ को ये खराब करने का काम करेंगे। और अगर कोई आपने यात्रा करने की कोशिश की बाहर बाहर तो उसमें भी थोड़ी सी दिक्कत कराते हैं। इस घर में बैठ के आपके ऊपर लांछन भी लग सकते हैं। यहाँ पर चंद्रमा की महादशा में थोड़ी बहुत भी क्या होती, अच्छाई नहीं मिलती। दसवें घर में बिजनेस प्रोफेशन अच्छा, माता सुख अच्छा, सारी चीज़ें यहाँ से अच्छी हो जाएंगी, ये घर भी अच्छा हो जाएगा। अगर ग्यारहवें घर की बात करूँ तो यहाँ से भी बहुत बढ़िया फल, बड़े भाई बहनों से अच्छा होगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे, पुत्री संतान होगी, संतान बहुत भाग्यशाली, आय के रोज रोज नए नए स्रोत खुलेंगे। बारहवें घर में बिल्कुल अच्छा फल नहीं देंगे, हर खर्चे को बढ़ाएंगे, कोर्ट कचहरी को बढ़ाएंगे, रोग ऋण बाधा को बढ़ाएंगे, हमेशा परेशानी देंगे, मन को बेचैन करेंगे, यहाँ पर एक्सीडेंट के योग बनेंगे, यहाँ पर खर्च ऐसे होंगे कि जो नियंत्रण से बाहर जाएंगे, और थोड़ा सा अगर कोर्ट कचहरी में फंसे तो थोड़ी सी सजा भी भुगतने के योग बनाते हैं। तो मीन लग्न में चंद्र इस तरह से बहुत अच्छा फल नहीं देते। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अगले वीडियो तक नमस्कार। चंद्रमा की इस लग्न में उपाय, अगर खराब जगह में तो उपाय ज़रूर करें, 6, 8, 12 में उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। धन्यवाद।